सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल रॉयल राजपूताना किचन को और इस घंटे बटन को दबाइए हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दी रॉयल राजपूताना किचन में। सो आज हम बनाने जा रहे हैं एक और नई यूनिक एंड टेस्टी रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं हल्दी के पराठों की रेसिपी। सो ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी रेसिपी है बिकॉज आप सभी को पता है हेल्दी एंटीबायोटिक होती है और हल्दी जो हमारी कच्ची हल्दी जो होती है इसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं। और कच्ची हल्दी आप सभी को पता है ये कैंसर की बहुत अच्छी दवा होती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कैंसर को ट्रीट करती है ये, और बहुत ही एंटीबायोटिक होती है। और जिस किसी के भी घुटनों में दर्द होता है और जिस किसी का भी मतलब कोई जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, तो वो अगर ये रेसिपी ट्राई करे तो डेफिनेटली उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर, उनकी बीमारी का उन्हें थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखेगा अगर वो ये रेसिपी रोज़ ट्राई कर ले तो। सो फ्रेंड्स, आज आइए हम लोग हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी बनाने वाले हैं, तो इसमें हेल्थ के साथ टेस्ट भी होगा। सो हमारी हर रेसिपी हेल्थ और टेस्ट दोनों के साथ शेयर करते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो इंग्रेडिएंट्स में हमने क्या क्या लिया है, इंग्रेडिएंट्स में हमने लिया है स्वाद अनुसार इसमें नमक लिया है, इसमें हमने स्वाद अनुसार नमक लिया है, और हम लोगों ने यहाँ दही लिया है, और यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून ये कॉर्न मक्के का आटा लिया है, कॉर्नफ्लोर, और 2 से 3 बारीक हरी मिर्च ली है कटी हुई, और यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून देसी घी लिया है, और ये मैंने 1/2 टीस्पून गरम मसाला लिया है, ये मैंने किसी हुई गोभी ली है, मतलब ये लगभग 25 ग्राम्स के लगभग गोभी है, और ये मैंने हमने लिया सूजी, ये 1/2 टेबल स्पून सूजी है, और हमने लिया है 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ये मैंने लिए हैं 1 बड़ा कटा हुआ स्लाइसेस में कटा हुआ प्याज लिया है, और ये मैंने लिए किसी हुई हल्दी, ये लगभग 50 ग्राम्स के लगभग हल्दी है, ओके। और यहाँ मैंने लिया है 100 ग्राम्स के लगभग आटा, देखे सकते तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग सबसे पहले आटा लगा के तैयार करेंगे, तो उसके लिए हमने एक पराती ले ली है, उसमें हम डालेंगे हमारा 100 ग्राम्स आटा। आटा डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मक्के का आटा, फिर इसके अंदर हम डालेंगे सूजी, और फिर हम इसमें डालेंगे अजवाइन, अब हम इसमें डालेंगे नमक, अब हम इसमें डालेंगे हमारा घी, देसी घी ये गरम किया हुआ है, और अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम लोग कर देंगे अच्छे से मिक्स। इस तरीके से, और इसके डो लगा के तैयार कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा जो डो है वो लग के तैयार हो चुका है, देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है आपको, इस हिसाब से आपको इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, ना तो ये ज़्यादा टाइट होना चाहिए ना ज़्यादा ये सॉफ्ट होना चाहिए, इस हिसाब से आपको इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, ओके। तो ये डो लगा के तैयार कर दिया है, अब हम इसकी स्टफिंग बना के इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, और फिर इसकी स्टफिंग बना के हम लोग तैयार करेंगे। तो इसकी स्टफिंग बना लेते हैं और इसे रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तो आपको उससे पहले इसे अच्छे से घी या ऑयल से ग्रीस कर लेना है बिल्कुल, ओके। सो अब हम इसे ग्रीस कर लेते हैं, तो इस तरीके से इसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर देंगे, और इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए हम लोग रख देंगे अच्छे से, इसे ऐसे ग्रीस करके और इसे 15 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमने एक पैन ले लिया है, अब हम लोग इस पैन में डालेंगे घी। सो अब हम इसमें डाल देंगे घी, तो
तो यहाँ 2 टेबल स्पून घी डाल दिया है मैंने, इसे होने देंगे अब हम गरम। सो फ्रेंड्स यहाँ हमारा घी गरम हो चुका है। सो फ्रेंड्स अगर आपने हमारी हल्दी मटर की सब्जी का वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था कि हल्दी हमेशा घी में पकती है ना कि तेल में। सो इसमें आपको घी ही यूज़ करना है या फिर आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट ऑयल आपको यूज़ नहीं करना है। ओके सो अगर अभी तक आपने हमारा हल्दी मटर का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके देख लीजिए हमारे चैनल पे। सो अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा, और जीरे को हल्का सा हम लोग देंगे चटकने देंगे थोड़ा सा, मतलब हल्का से इसे फ्राई होने देंगे। तो ये हल्का सा फ्राई होने लग गया है हमारा जीरा। सो देखिए फ्रेंड्स इसमें से आवाज़ आनी शुरू हो गई, हल्का सा जीरा चटकने लग गया है। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, इसमें तो हम लोग कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और हल्का सा इसे फ्राई होने देंगे। तो इसमें ज़्यादा आपको ऑयल या घी का यूज़ नहीं करना है। अब हरी मिर्च हमारी हल्की सी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो प्याज डालने के बाद हल्का सा इसे कर लेंगे हम फ्राई। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है हमारे घी की। अब हमारे प्याज हल्के से फ्राई होने लग गए हैं। सो फ्रेंड्स हमारे प्याज हल्के से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें डाल देंगे गोभी, पूरी गोभी डाल देंगे इसके अंदर और मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ ही। अब प्याज चॉप्ड भी ले सकते हैं, तो यहाँ मैंने स्लाइस प्याज लिए हैं। कभी कभी स्लाइस प्याज भी दिखने में और खाने में अच्छे लगते हैं, अच्छा टेस्ट आता है उनका। फ्रेंड्स रियली में हल्दी के पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं, मैं एक बार पहले ट्राई कर चुकी हूँ इसे, सो दूसरी बार मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये। तो मुझे अच्छे लगे और पूरी फैमिली से मुझे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले। सो इसी यही कारण है कि मैं आप सभी के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ, हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी है। फ्रेंड्स आप प्लीज़, मैं कुछ लास्ट में आपको ट्रिक्स बताऊँगी कि कैसे आपको फिल करना है इस, कैसे आपको स्टफिंग्स पराठे में फिल करनी है। तो आप प्लीज़ हमारा वीडियो एंड से लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो यूनिक लग रहा है और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, लेकिन वीडियो पूरा देखिए। सो फ्रेंड्स हमारी गोभी हल्की सी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी, हल्दी डाल देंगे पूरी और इसे भी मिक्स कर लेंगे इसके साथ। सो फ्रेंड्स अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, तो लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे पूरा। अब हम इसमें डाल देंगे हमारा नमक, मिक्स कर देंगे। सो फ्रेंड्स आपको ये मसाला थोड़ा सूखा सूखा बनाना है, तो इसमें हम बिल्कुल हल्का सा दही डालेंगे। तो लगभग यहाँ मैंने सिर्फ 1 टीस्पून के लगभग ही, मतलब वन टू हाफ टीस्पून के लगभग ही इसमें ज़्यादा दही नहीं डाला है, सिर्फ इस चीज़, मतलब इतना मैंने इसमें दही डाला है। ओके और मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो स्टफिंग है वो थोड़ी खट्टी टाइप, थोड़ी टेस्टी चटपटी टाइप बनेगी और हेल्दी तो ये वैसे भी रहेगी ही। सो ये देखिए फ्रेंड्स कितनी शानदार स्टफिंग हमारी लग रही है, कलर कितना अच्छा आया है इसका देख सकते हैं।
आप काश इसकी वीडियो में से खुशबू सूंघ सकते तो आप रियली कहते वाह क्या खुशबू है। सो अब हमारी स्टफिंग हल्की सी तैयार हो चुकी है। अब लास्ट इंग्रेडिएंट हर मसाले का, हर सब्जी का, हर स्टफिंग का लास्ट इंग्रेडिएंट होता है हमारा गरम मसाला। तो ये मेरे पास गरम मसाला है, हाफ टी स्पून ये भी डाल देंगे इसमें और मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स बिल्कुल आपको सूखी सूखी सी स्टफिंग बनानी है इसमें। तो ये देखिए हमारी स्टफिंग बनके रेडी हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। सो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा जो स्टफिंग है ये भी बनके रेडी हो चुकी है, और ये जो आटा हमने सेट करने के लिए रखा था ये भी हल्का सा सेट हो चुका है। तो इसे एक बार अच्छे से हम लोग प्रेस करते हुए इस तरीके से हम इसे मथ लेंगे, इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से हम इसे दो तीन बार ऐसे प्रेस करते हुए मथ लेंगे, मतलब ऐसे गूंथ लेंगे अच्छे से। फिर इस तरीके से इसे वापस से फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और इसे वापस कटोरी में रख के सेट होने देंगे। जब तक कि स्टफिंग ठंडी हो रही है तब तक हम इसे सेट होने के लिए रख देंगे। सो सेट होने के लिए रख देते हैं तो लगभग 15 मिनट्स लगेगी इसे ठंडा होने में, तब तक ये भी सेट हो जाएगा बिल्कुल परफेक्टली। सो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी जो स्टफिंग है वो भी रेडी हो चुकी है और हमारा जो आटा है वो भी सेट हो चुका है। अब हम इसके पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स आइए पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक छोटी सी लोई तोड़ेंगे, बिल्कुल छोटी सी लोई तोड़ेंगे इस साइज़ की। आप अपने साइज ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग साइज ले सकते हैं। तो उसे प्रेस करेंगे हल्का सा। सो फ्रेंड्स देखिए मैं जिस सीक्रेट की बात कर रही थी वो यही है कि आप जितना इस हल्दी के स्टफिंग को सूखा रखेंगे ये उतने ही अच्छे इसमें पराठे बनेंगे। तो आपको इसमें नाम का दही डालना है, मतलब जिससे थोड़ा सा खट्टा हो जाए स्टफिंग। तो यहाँ 1 टेबल स्पून के लगभग मैंने दही डाला था। अब देखिए मैंने उसमें स्टफिंग इस तरीके से भर ली है। अब इसे अंदर से प्रेस करेंगे, अंदर की साइड इस तरीके से इसे प्रेस करेंगे और इसे इस तरीके से हम लोग इसे प्रेस करते हुए, और बिल्कुल जैसे आपने हमारे बाकी के पराठे जैसे गोभी के पराठे वगैरह का वीडियोस देखा होगा तो आप ज़रूर जानते होंगे हम किस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल हल्के हाथों से पराठे बेलने हैं। सो इस तरीके से आपको पूरे पराठे बेलने हैं, देखिए। सो इस तरीके से दूसरा पराठा भी बेल के दिखाते हैं आपको। सेम प्रोसेस इसमें भी करनी है। और तब तक एक काम कीजिए, आप अपने तवे को लो फ्लेम पे गरम होने के लिए चढ़ा दीजिए। सो तो यहाँ मैंने मेरे जो तवा है उसे लो फ्लेम पे चढ़ा दिया है गरम होने के लिए। सो ठीक है, तो आपको लो फ्लेम पे चढ़ा देना है इसे गरम होने के लिए। वापस पराठों पे लौटते हैं। सो इस तरीके से करेंगे हम लोग हमारे पराठे को, इस तरीके से बेल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे दो पराठे बन के रेडी हो गए हैं, अभी हम इन्हें सेकते हैं। सो फ्रेंड्स हम लोगों ने हमारा तवा जैसे चढ़ा दिया था, अब हम इसे ग्रीस करेंगे अच्छे से घी से। आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। जब ये पराठे ही हल्दी के बन रहे हैं तो डेफिनेटली घी का ही ज़्यादा यूज़ होगा। सो अब हम इसमें पराठा डाल देते हैं। तो इसमें हम लोगों ने ये पराठा डाल दिया है। इस पराठे को ऊपर से भी हम लोगों को घी से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। इस तरीके से इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे घी से।
सो इस तरीके से ग्रीस कर लेंगे। अब इसे ऐसे इस तरीके से पलट लेंगे तो देखिए हल्के हल्के इसमें ब्राउनिश स्पॉट आने लग गए, इस तरीके से देख सकते हैं। प्रेस कर लेंगे, अब हम इसे दूसरी साइड से भी ग्रीस कर देते हैं। तो इस तरीके से इसे दूसरी साइड से भी हम लोग ग्रीस कर लेंगे, इस तरीके से इसे ग्रीस कर लेंगे, इसे भी हम लोग फिर दूसरी साइड से भी इस तरीके से ग्रीस कर लेंगे। अब हम इसे पलट लेंगे। सो देखिए दूसरी साइड से भी कितना अच्छे से सिक चुका है, ये देख सकते हैं आप। सो ये हल्का हल्का इसमें फूलने लग गया है ये। अब लास्ट टाइम इसे ग्रीस करेंगे हम लोग, ये देखिए कितना अच्छे से फूल रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, देखिए इस जगह। अब लास्ट टाइम हम इसे अच्छे से ग्रीस कर देंगे, लास्ट टाइम करना है आपको, और अच्छे से घुमा के, और फ्लेम को अब हमें हाई कर देना है। अब टर्न कर देंगे और दूसरी साइड से भी सेकने देंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा ये जो पराठा है ये सिक के तैयार हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्राउनिश टाइप स्पॉट आ चुके हैं इस पर। अब हम इसे निकाल लेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारे पराठे बनके रेडी हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी पराठे हैं, और जैसा कि आप सभी को पता है हल्दी के फ़ायदे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सो फ्रेंड्स, इसमें आपको कच्ची हल्दी छीलनी और किसनी कैसी है ये ऑलरेडी मैं जो हल्दी मटर की सब्जी है उसमें अपलोड कर चुकी हूँ। आप जल्दी हमारे चैनल पर जाके उसमें आप देख सकते हैं कि हल्दी आपको छीलनी और किसनी कैसे है। सो आप फटाफट से जाके उसे देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे गर्मा गर्म पराठे बनके रेडी हो चुके हैं। ये हल्दी के पराठे हैं और हमने इसे सर्व है ना अमरूद की चटनी के साथ किया है। सो ये भी बहुत ही टेस्टी चटनी है। इसकी रेसिपी हम जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए, और ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, गुड बाय। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।